और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो। और आत्मा के साथ प्रभु क्रिस्त में। प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों से यह कहता है कि हम सबों को उस ईश्वर को धन्यवाद देना कितना जरूरी है। 10 कोड़ी दूर खड़े होके ऊंचे स्वर से प्रभु से कहने लगे, ईसा गुरु और हम पर दया कीजिए। और प्रभु ने उनसे कहा, जाओ अपने को याचकों को दिखाओ। और विश्वास करते हुए चले गए, रास्ते में ठीक हुए। ठीक होने के बाद एकमात्र व्यक्ति लौट कर आया ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और उस एक व्यक्ति से प्रभु ने पूछा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या उन लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि लौट कर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए? और वो एक व्यक्ति जब लौट के धन्यवाद देने के लिए आया, उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा, तुमने धन्यवाद दिया है इसलिए तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस प्रकार से प्रभु चाहता है कि हम सभी उस ईश्वर को धन्यवाद दें। उस ईश्वर के हाथों में हम दिन प्रतिदिन अनगिनत वरदानों को प्राप्त करते हैं। अलग अलग प्रकार की आशीषें हम सबों पर बनी हुई हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है, फर्ज है कि हम उस ईश्वर को निरंतर धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को इस बात का याद दिलाता है कि धन्यवाद का बलिदान हम सभी चढ़ाएं हर दिन, उस ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद के फल स्वरूप हम सबों को बहुतायत में आशीष मिले। आइए हम इस बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब जब हम लोगों ने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया हो, उनके अनगिनत उपकारों के लिए हमने कृतज्ञता व्यक्त नहीं की हो, हमने शुक्रिया अदा नहीं किया हो, उस प्रभु से माफ़ी मांगते हुए इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुआरी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम दीनता पूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पाठ, अध्याय 3, वाक्यांश 1-7। सबों को याद दिलाओ कि शासक तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर भरे कार्य के लिए तत्पर रहें, किसी की निंदा ना करें, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो, और सब लोगों के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि हम तो पहले नासमझ, अवज्ञाकारी, भटके हुए, हर प्रकार की वासनाओं और लालसाओं से वशीभूत थे। हम विदोष और ईर्ष्या में जीवन बिताते, हम घृणित थे और दूसरों से बैर करते थे, किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया। उसने हमारे किसी पूर्ण कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया, जिससे हम उसकी कृपा सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोड़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ा और कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर की स्तुति करें? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सुंदर पाठ हम सबों को आज के दिन में दिया गया है और इस पाठ के माध्यम से प्रभु हम सबों से बातें करता है। 10 कोड़ी जो कोढ़ की बीमारी के वजह से अपने घर परिवार से दूर थे। उस जमाने में कोढ़ियों को अपने घर में रहना नहीं था, घर परिवार से दूर रहना था और उनके लिए एक जगह निर्धारित की गई थी, उस जगह पर जाके उनको जीना था। और एक प्रकार से देखा जाए वो मनुष्यों में से नहीं गिना जाते थे। किसी प्रकार का मान सम्मान उनको नहीं था, इज्जत उनको नहीं थी। वो एक प्रकार से बेघर थे और लोग समझते थे कि ये बहुत बड़े पापी हैं। किसी प्रकार का आत्मसम्मान भी उनका नहीं हुआ करता था, कोई उनके पास नहीं जाता था, कोई बात नहीं करता था। ऐसे एक दर्दनाक जीवन वो बिता रहे थे। और ऐसी दशा में जीवन बिताने वाले कोढ़ियों को जब एक दिन पता चला कि ईसा मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं, वो दूर खड़े हो जाते हैं क्योंकि नज़दीक आने की इजाज़त नहीं थी। दूर खड़े होते हुए ऊंचे स्वर से ईसा को पुकारते हैं, बुलाते हैं, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। और उनकी उस प्रार्थना में इतना दर्द था, हम पर दया कीजिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं उनके पास, और कोई विकल्प नहीं है। जिस दरवाजा वो जाके खटखटाएं, जिस व्यक्ति के पास जाके वो अपनी दुखड़ा व्यक्त करें, कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अपने सारे विश्वास के साथ, सारे भक्ति के साथ, सारे श्रद्धा के साथ, सारे आस्था के साथ, सारे उम्मीद के साथ एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं प्रभु के सम्मुख और ऊंचे स्वर से अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। उनकी प्रार्थना प्रभु के दिल को छू गई, उनका दर्द प्रभु को महसूस हुआ, उनकी पीड़ाएं प्रभु समझने लगे। प्रभु ने तुरंत उनको उत्तर देते हुए कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। उस जमाने में प्रथा ये थी, जब तक याजक इस बात का प्रमाण नहीं देता कि ये ठीक हुए हैं, तब तक वो अपने घर परिवार में नहीं जा सकते थे, तब तक अपने गांव में जा नहीं सकते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। सीखने की बात यह है भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु ने कहा जाओ, उस वक्त वो ठीक नहीं हुए। उन्होंने प्रभु की बातों पर यकीन किया, विश्वास किया। वो पूछ सकते थे, किस बात को लेकर हम जाएं, क्या दिखाएं, हम कोढ़ी हैं और आज भी इस वक्त भी कोढ़ी हैं। उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया। विश्वास के बलबूते वे चले गए, रास्ते में वो ठीक हुए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था। विश्वास का फलस्वरूप जब गए रास्ते में वो ठीक हुए। जब रास्ते में ठीक हुए, उनमें से एक व्यक्ति जो समारी था, वो महसूस करता है मैं ठीक हो गया हूं। वो भी अपने साथियों के बांते अपने घर परिवार में जा सकता था, आनंद बांटने के लिए, खुशियां बांटने के लिए कि मैं ठीक हो गया हूं। हो सकता संभवतः बाकी सभी बहुत तेजी से घर भाग गए होंगे अपने घर परिवार के लोगों से मिलने के लिए। बहुत समय से शायद वो नहीं मिले थे, नहीं देखा था, अपने बच्चों को नहीं देखा था उन्होंने, अपने घर परिवार के लोगों को नहीं देखा था। बहुत शीघ्रता से वो भाग गए अपने घर लोगों से मिलने के लिए।
लेकिन एक व्यक्ति जो समारी लौट के आता है प्रभु के पास, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ता है और प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, यह देखकर प्रभु सवाल करते हैं, क्या दसों निरोग नहीं हुए थे तो बाकी नौ कहाँ हैं? मैंने सबको ठीक किया था, क्या इस परदेशी को छोड़ा और कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर को धन्यवाद दे? इस बात से हम सभी समझ सकते हैं भाइयों बहनों, धन्यवाद कितना जरूरी है। मनुष्य एक दूसरे की मदद करता है, धन्यवाद नहीं देने पर नाराज हो जाता है, उसने मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। प्रभु यीशु भी हम सब उनसे ये कहता है कि दसों निरोग नहीं हुए, बाकी नौ कहाँ गए? इस परदेशी को छोड़ कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर को धन्यवाद दें। यानी कि धन्यवाद देना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, प्रभु हमें समझाता है। हम सबों के जीवन में भाइयों बहनों, वो प्रभु अनगिनत वरदान देता है, हर पल पल वो ईश्वर हम सबों को आशीष देता है। इस वक्त हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं, सांसें हमारी चल रही हैं, जीवन का प्रसाद हमें मिल रहा है, इसके लिए हमें कीमत अदा नहीं करनी पड़ती है। ये पंखे चल रहे हैं, इसके लिए हम कीमत देते हैं। दिन भर रात भर 24 घंटों ईश्वर ने जो हवा लेने के लिए हमें दिया है, उसके लिए कीमत नहीं देनी पड़ती है। ये जो लाइट चल रहे हैं, ये इसके लिए हम कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश हमें मिलता है, हमें कीमत अदा नहीं करनी पड़ती है। एक एक बात पर हम ध्यान दें, कितना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है। ये 5 इंद्रियां सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, सब कुछ उस ईश्वर ने हमें दिया है। कोई कीमत हमें अदा नहीं करनी पड़ती है धन्यवाद के सिवा। उस ईश्वर को हम निरंतर धन्यवाद दें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। और उसका फल क्या है इस सुसमाचार के आखिर में प्रभु कहता है, तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। ध्यान देने की बात है फिर एक बार, बाकी 9 लोग कोढ़ की बीमारी से, शारीरिक बीमारी से ठीक हुए, यह व्यक्ति शारीरिक बीमारी से ठीक हुआ, आत्मिक बीमारी से ठीक हुआ। प्रभु ने उससे कहा तुम्हारा उद्धार हुआ है, यानी कि तुम स्वर्ग राज जाने के लिए लायक हो, यानी कि तुम स्वर्ग जा सकते हो, तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी मुक्ति हुई है। प्रभु ने उसको दुगनी आशीष प्रदान की, धन्यवाद के साथ हम दुगनी आशीष प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमें वही कृपा दें कि हम सभी निरंतर उस प्रभु के प्रति धन्यवाद निरंतर देते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। प्रभु यही हमें अनुग्रह दें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु रोटी गेहूं की अंगूरी दाख फलों।
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करें। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। Who's that?
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरे सोच विचार कार्यों से, संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग बीमारी तनाव चिंता समस्या दुर्घटना आलस्यपन घमंड और निराशा से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन करें। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य है हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आज
परम प्रसाद के माध्यम से हम लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए हैं। हमारे दिल रूपी घर में उस प्रभु का हम स्वागत करें, उस प्रभु से हम बातें करें, उस प्रभु का हम धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यह कृपा करके हम परम प्रसाद के प्रभाव से पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हों। श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हम अनंत वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।